हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज मैं लेकर आई हूँ क्लॉथ ऑर्गेनाइजेशन से लेके आज का ये वीडियो है। तो हमारे कुछ कबर्ड या अलमीरा, हम जिसमें भी अपने क्लॉथ को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, तो उसकी हालत कुछ इस तरीके से हो जाती है। तो आज मैं इन सबको ही समेटने के लिए, आप इनको किस तरीके से अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र आपको दिखाने वाली हूँ। कुछ को मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ और कुछ को मैं यहाँ पर आपके साथ वीडियो के थ्रू शेयर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो एक सबसे पहले यहाँ पर मैं कार्डबोर्ड का यूज़ कर रही हूँ और इस तरीके के कार्डबोर्ड ईजिली मिल जाते हैं आपको किसी भी, मतलब जो भी आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं उसमें आपको मिलते होंगे। अदरवाइज़ आप किसी भी क्लॉथ शॉप से ले लीजिए, वो 5 रुपये के आपको एटलीस्ट 2-3 दे ही देंगे। तो आप इस तरीके से वहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र हमारे बन जाते हैं। इनको आप अपने वार्डरोब में या किचन में, आप कहीं पर भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का ये बहुत ही अच्छा एक मतलब तरीका होता है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से पेपर डाल दिया है क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लुक वाइज में भी हो जाए। और फ्रंट साइड पे भी मैंने इस तरीके से इसको यहाँ से या तो मैं स्टेप कर दूंगी इसको स्टेपलर के थ्रू, या फिर मैं यहाँ से चिपकाऊंगी, जो भी मुझे बेस्ट तरीका लगेगा वो मैं इस पर अप्लाई कर दूंगी। तो चलिए यहाँ पर उससे पहले मैं अपने कपड़े लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर इस ऑर्गेनाइज़र में मैं अपनी सिर्फ साड़ियाँ रखने वाली हूँ क्योंकि मैं साड़ियाँ ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, ज़्यादा वेयरिंग नहीं करती हूँ, तो मैं साड़ियों को इसमें रख दे रही हूँ। ये मेरी लाइट वेट वाली साड़ियाँ हैं जो कि, मतलब जब कभी मैं पहन लेती हूँ तो साड़ियों को मैं इसमें अरेंज कर रही हूँ। मतलब हर चीज़ की एक कैटेगरी यहाँ पर हम बना देंगे क्योंकि कभी कभी हमें क्या होता है कि हम जो कपड़े नहीं पहनते उनको भी वहीं रख देते हैं, डेली पहनने वाले होते हैं उनको भी वहीं रख देते हैं, तो उनके साथ भी वो ख़राब हो जाते हैं। तो कपड़ों को एक सेशन, अलग अलग सेशन बना दीजिए। बच्चों के हैं तो बच्चों का भी सेशन एक अलग अलग कर दीजिए और अपने कपड़ों का भी सेशन अलग कर दीजिए। जैसे कि आप साड़ियाँ पहनते हैं तो साड़ी आप एक वार्डरोब, मतलब एक कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइज़र रेडी कर लीजिए, उसमें आप सिर्फ साड़ियाँ ही साड़ियाँ रखिए। क्योंकि अगर आप कभी साड़ी ढूंढेंगे तो सूट आपके ख़राब नहीं होंगे, अगर आप सूट ढूंढेंगे साड़ी नहीं, तो आप इस तरीके से सेशन में डिवाइड कर सकते हैं, साड़ी का अलग, सूट का अलग। और अगर आप मिक्स मैच, मेरी तरह मिक्स मैचिंग के शौकीन हैं क्योंकि मैं हमेशा कपड़ों को बहुत मिक्स मैच करके पहनती हूँ, तो मैं इस तरीके से ही ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। उस ऑर्गेनाइजेशन का मैं आपको बहुत अच्छा वीडियो दिखाने वाली हूँ और इससे ये पार्ट 1 है और इसके आगे भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो नेक्स्ट पार्ट में आते रहेंगे। तो यहाँ पर एक कुछ ऑर्गेनाइज़र मैंने ये बनाया था, तो इन सारे ऑर्गेनाइज़र को मैंने ऑलरेडी बनाकर रखा है। तो इन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र है। इसमें मैं अपने जो भी मेरे एक्स्ट्रा ब्लाउज़ होते हैं, क्योंकि मैं ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है, तो मेरे पास ऑलमोस्ट ब्लैक कलर के बहुत ज़्यादा आपको कलेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे से मेरे ब्लाउज़, मतलब ब्लाउज़ होते हैं या उनकी इनर वगैरह होती है या बेल्ट वगैरह हैं और स्काफ वगैरह है जो कि मुझे तुरंत की तुरंत चाहिए होते हैं, तो मैं इनको इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़र तैयार किया है। तो मैं इसमें यहाँ पर इस तरीके से इसमें भर के रख देती हूँ और इसको मैं अलमीरा के गेट पर टांग के रखती हूँ जिससे कि मुझे हर चीज़ ईजिली मिल जाती है। क्यों, ट्रांसपेरेंट पे मैंने इसको तैयार किया है तो मतलब सारी चीज़ें विजुअल रहती हैं तो ईजिली मिल जाती है, ढूंढने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो भी आपका ज़रूरत वाला सामान हो, आपका या बच्चों का, आप उसमें इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र बनाकर रख सकते हैं। तो मैंने इस तरीके के 2-3 बेसिकली बनाए हुए हैं अलग अलग लोगों के लिए जिनका अलग अलग तरीके से सामान रख सकते हैं। तो इसको आप मोड़ कर भी रख सकते हैं और हैंग कर, इस तरीके से आप मोड़ कर भी इसको रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको वॉल पर हैंग करके भी रख सकते हैं। तो जैसे ही आपके पास स्पेस हो आप उस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार। तो इस तरीके के कुछ बैग्स वगैरह होते हैं जो हमारे पास शॉपिंग बैग होते हैं या फिर कोई ना कोई चीज़ में आ ही जाते हैं इस तरीके के। ये मेरे पास बैग पड़े हैं बच्चों की नोटबुक वगैरह, जो सिलेबस आया था न्यू सेशन का उसके हैं ये। तो इनको मैं यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी थिक क्वालिटी का है ये, तो अच्छा खासा है, इसलिए मुझे इसमें कार्डबोर्ड वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर इसमें कोई भी कार्डबोर्ड वगैरह नहीं डालूंगी और इस तरीके से ही इसमें मतलब ऐसे ही कपड़े अरेंज कर दूंगी, क्योंकि मतलब मेरे पास सारी चीज़ों के कैटेगरी के मैंने अलग अलग बना दिए हैं। जैसे मैंने लेगी हैं और मतलब जो भी मेरे अंडरगारमेंट्स हैं उनके अलग बना दिए हैं, बच्चों के अलग अलग बना दिए हैं। अभी मैं आपको सारा कुछ आपको वीडियोज़ में देखने को मिलेगा, सो प्लीज़ कंटिन्यू देखते रहिए वीडियो।
तो गाइस सबसे ज़रूरी बात कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिकॉज अब बेल आइकन नहीं आप प्रेस करेंगे तो मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे और आपसे वीडियो मिस हो जाएंगे। सो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया है। तो दूसरा मेरे पास ये इस तरीके का और शॉपिंग बैग पड़ा है। वैसे शॉपिंग बैग के मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी शेयर किए हैं और भी न्यू आइडियाज़ हैं जिनको मैं आगे लेकर आने वाली हूँ, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे पार्ट्स में। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको कट करके तैयार कर लिया है, तो आप इसको कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। तो मैं इसको इस तरीके के क्लचर हैंगर्स में इसको मैंने इस तरीके से प्रेस कर दिया है और ये हमारा बनकर तैयार है। 2 मिनट भी नहीं लगते इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र बनाने में, और इसको आप अपनी अलमीरा वगैरह में कहीं पर भी, अलमीरा या कवर्ड्स में आप कहीं पर भी इसको ईज़िली हैंग कर सकते हैं। और देखिए इस तरीके से आप इसमें बहुत सारे कपड़े अपने स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लगा दिए और आप देख सकते हैं कि नीचे भी बहुत सारे कपड़े लगे हुए हैं। और जब भी आपको इसका यूज़ ना हो तो आप इसको इस तरीके से लॉक भी कर सकते हैं ऊपर से, तो ये बिल्कुल चिपक जाएगा। आप यहाँ से क्लॉथ पिन का भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे ओपन भी रख सकते हैं इस तरीके से, कोई भी ऑड नहीं लगेगा। बहुत सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाता है, बहुत सारे कपड़े हमारे इसमें आ जाते हैं और ईज़िली सारे विजिबल रहते हैं, तो ईज़िली मिल भी बहुत जल्दी जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट मेरे पास ये भी मतलब मेरी बेटी के स्कूल का है, तो ये थोड़ी मतलब इसकी क्वालिटी थोड़ी सी थिन है, बट इट्स ओके, चल जाएगा। तो मेरे पास इस तरीके के जो बैग हैं, शॉपिंग बैग वगैरह होते हैं, तो इस तरीके के आ जाते हैं, तो मैं इसका भी यूज़ कर रही हूँ। तो इसको मैं इसको भी अंदर इस तरीके से इन कर दूँगी, और लेकिन इसको मैं ज़्यादा छोटा नहीं करूँगी, इसको मैं थोड़ा सा लंबा बनाकर रखने वाली हूँ, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा मतलब थोड़े वैसे ऑर्गेनाइज़र वाले कपड़े इसमें रखने वाली हूँ, ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, जो कि मतलब बहुत कम यूज़ करती हूँ, जब कभी साल में एक आध बार या कभी भी नहीं यूज़ करती उन कपड़ों को मैं इसमें रखने वाली हूँ। इसलिए मैंने इसको ज़्यादा मतलब छोटा बनाया नहीं है, इसको लॉन्ग किया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से। तो चलिए फटाफट से हम इसमें भी अपने कपड़े अरेंज करते हैं। तो इसमें मैं अपनी जो भारी भरकम वाली साड़ियां हैं उनको अरेंज करूंगी, क्योंकि इन साड़ियों का निकलना बहुत कम ही हो पाता है, समर्स में तो बिल्कुल भी नहीं मैं पहनती हूं, और जब कभी विंटर्स में कोई पार्टी या गैदरिंग वगैरह होती है तो मैं इनको वेयर कर लेती हूँ, तो इसलिए अभी तो इनका कोई काम नहीं है, इसलिए मैं इनको इसमें इस तरीके से फिल करके रख देती हूँ, लेकिन रखूँगी अलमीरा में ही जिससे कि ईज़िली मिल जाए। और मैं इन सब के ऊपर लिख देने वाली हूँ क्योंकि किस में क्या रखा है, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद हमारे से माइंडसेट हो जाता है कि मतलब बिल्कुल भी याद नहीं रहता कौन सा किस में, तो हमसे ही थोड़े बहुत कपड़े ख़राब हो जाते हैं, मेरे साथ तो अक्सर होता ऐसा हो जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख कर रखने वाली हूँ कि इसमें मैंने लेगी रखी हुई है, इसमें मैंने टाल्स रखी हुई हैं, एंड जो भी साड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं, बच्चों के कपड़े का ये सेशन है, उनका सेशन, तो मैं सब पर नोट करके रखने वाली हूँ जिससे कि सारी चीज़ें ईज़िली बच्चों को मिल जाए। कभी भी मुझे से मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं बच्चों को बोल सकती हूँ, जो अपने वाले बैग में ढूंढ सकते हो आप लोग, तो अगर वो ख़राब भी करेंगे तो अपना ही मतलब ख़राब करेंगे, सारे कपड़े हमारे नहीं बिथोले जाएंगे, मतलब ख़राब नहीं होंगे, और फिर हम जब भी फ्री होगा तो हम उसको सही से अरेंज करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने और भी शॉपिंग बैग तैयार कर लिए हैं, और ये वाला ऑर्गेनाइज़र भी मैंने अभी, ये वाला ऑर्गेनाइज़र आप देख रहे हैं तो इसको भी मैंने अभी बनाया था, तो इसमें कुछ इस तरीके से मैंने कपड़े लगा दिए हैं। और ये देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इसमें कपड़े आ जाते हैं, आप देखेंगे नीचे भी अभी इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो इस तरीके से आप इस ऑर्गेनाइज़र को भी बना सकते हैं। इसका वीडियो भी मैं लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इसे भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आप इसको बनाना चाहते हैं। तो गाइज़ ये थे मेरे आज के कुछ यूनिक से आइडियाज़ जिससे कि आप अपने छोटे से कवर्ड्स में भी बहुत सारे कपड़ों को अरेंज करके रख सकते हैं और बहुत अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर ऑलरेडी तैयार करके रखी हुई थी और कुछ के वीडियोज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए इसको मैंने यहाँ पर हैंग करके रखा है, तो इस तरीके से आप इसको हैंग करके भी रख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अपने